वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 4 लेक्चर 2। इस लेक्चर में हम करेंगे गोज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। गोज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है वो हमारे पास, बैकवर्ड के नाम से ये मत समझना कि हम इसमें कोई बैकवर्ड प्रोसेस यूज करेंगे, मतलब डिफरेंसिंग के लिए हम बैकवर्ड प्रोसेस यूज नहीं कर रहे हैं। पूरे फॉर्मूले में जो डिफरेंसिंग करेंगे, मतलब डिफरेंसिंग मतलब ये जो डिफरेंस ऑपरेटर यूज करेंगे ये फॉरवर्ड का ही यूज करेंगे, पर इसमें बैकवर्ड आपको जब आगे जाके पता चलेगा कि ये कब यूज करते हैं, मतलब जब आपकी u की वैल्यू -1/2 से लेके 0 के बीच में होती है, मतलब पीछे के साइड, ओरिजिन से पीछे की साइड होती है, इसलिए हम इसे बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कह रहे हैं। जैसे हमने क्या करते हैं कि जब हमने ये सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, उससे पहले ही हमने एक चीज बताई थी कि हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे। ओरिजिन को शिफ्ट करने का मतलब कि हम कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट को 0 पे सेट करेंगे। तो 0 पे सेट करने के लिए इधर भी -2 -1 इस तरीके से आर्ग्यूमेंट चलेगा, इधर 1 2 3 ऐसे आर्ग्यूमेंट चलेगा। तो जब हम 0 से लेके 1/2 के बीच का निकालते हैं, मतलब हम आगे की तरफ चल रहे हैं, तो हम गोज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। जब हम 0 से लेके -1/2 के बीच का, मतलब पीछे की तरफ चल रहे हैं, तो गोज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड को डिफाइन कर रहा है, ना कि हम बैकवर्ड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो हमारी ये डेरिवेशन है, गोज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला करने के बजाय ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, सबसे पहले वो करते हैं। तो ये फॉर्मूला ड्राइव होता है न्यूटन्स एडवांसिंग फॉर्मूले से। न्यूटन्स एडवांसिंग फॉर्मूला हम वैसे भी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, अगर आपको ध्यान नहीं हो तो ये हमारे पास होता है yx = y0 + u1 delta y0 + u2 delta square y0 + u3 delta cube y0 + u4 delta 4 y0 and so on। इसमें आपको पता है कि u1 u2 u3 u4 क्या होता है, कि हमने ui किया था, u, u-1, u-2 and so on, u-i+1 and upon i factorial, ये हमारे पास हुआ था। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, जिस तरीके से मान लो कि आपके पास u1 है तो कहाँ तक जाओगे, सिर्फ 1 यहाँ पे करोगे, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, तो u तक रहेगा आपका। दूसरा u2 निकालना है तो u, u-1 तक, u3 निकालना है तो u, u-1, u-2 तक। ओके, लास्ट टर्म में बस आपको पुट करके देख लेना है, i की जगह अगर 3 है तो लास्ट टर्म में 3 पुट करके देखना, तो u-3 + 1 है, तो मतलब u-2 कि आपकी जो लास्ट टर्म है वो u-2 तक जाएगी, और सीरीज यहाँ से शुरू होती है। तो बस उस तरीके से आपको सिंपल करना है। उसके बाद में आपके पास क्या है, जैसे हमने गोज फॉरवर्ड किया था, गोज फॉरवर्ड में हमने क्या किया था कि न्यूटन्स फॉर्मूला लिया था, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला लिया था, और उसमें हमने पहली दो टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म को डिमिनिश किया था बाय 1। डिमिनिश कौन सा, सबस्क्रिप्ट को, ये जो सबस्क्रिप्ट होती है इनको डिमिनिश किया था बाय 1। मतलब कि अगर 0 में से कुछ घटा रहे हो तो कितना आएगा, -1 ही आएगा आपके पास। तो अब आपको बैकवर्ड निकालने के लिए क्या करना है, पहली टर्म को छोड़ देना है, वाई नोड को छोड़ना है, बाकी सारी टर्म को क्या कर देना है, जो इसके वाई के सबस्क्रिप्ट है उन्हें डिमिनिश करना है बाय 1। तो एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म ऑन राइट हैंड साइड, द सबस्क्रिप्ट ऑफ वाई इन ईच टर्म इज रिड्यूस बाय 1 यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। अब आप एक चीज नोट करो कि आपको nth प्लस 1th डिफरेंस निकालना है, फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है -1 का। जब आप -1 का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हो तो क्या करते हो, 0 - 1 करते हो, मतलब कि एक आगे वाली एंट्री और उसमें से ये वाली एंट्री को माइनस करते हो, तो आपके पास क्या हो जाएगी, डेल्टा एन वाई 0 - डेल्टा एन y-1। मुझे डेल्टा एन वाई नोड की वैल्यू पुट करनी है इन द फॉर्म ऑफ -1, तो इस -1 को हमें किस साइड लाना पड़ेगा, दूसरी साइड। तो डेल्टा एन वाई नोड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एन वाई माइनस वन प्लस डेल्टा एन प्लस वन वाई माइनस वन। यही चीज तो है हमारे पास कि डेल्टा एन वाई नोड इज इक्वल टू डेल्टा एन वाई माइनस वन प्लस डेल्टा एन प्लस वन वाई माइनस वन।
इसमें कुछ नहीं किया है, फॉरवर्ड डिफरेंस यूज किया है, nth प्लस वनथ फॉरवर्ड डिफरेंस यूज किया है, n प्लस वनथ फॉरवर्ड डिफरेंस यूज किया है। अब आपको क्या करना है, डेल्टा वाई नोड की वैल्यू, डेल्टा स्क्वायर वाई नोड की वैल्यू, डेल्टा क्यूब वाई नोड की वैल्यू निकालनी है। तो आपको n को क्या पुट करना है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो आप जब n को 1 पुट करोगे तो डेल्टा वाई नोड की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1। ऐसे ही जब आप n को 2 पुट करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, डेल्टा 2 वाई नोड की, जो कि है डेल्टा 2 वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1। डेल्टा n पुट 3 पुट करोगे तो डेल्टा 3 वाई नोड इज इक्वल टू डेल्टा 3 वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा 4 वाई माइनस 1 एंड सो ऑन, आपके पास चलता जाएगा। आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करनी है, जो न्यूटन्स एडवांसिंग फॉर्मूला था। तो वो किस तरीके से बन गया हमारे पास, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नोड प्लस यू वन, डेल्टा वाई नोड की वैल्यू पुट किया है, डेल्टा वाई नोड की वैल्यू क्या है, डेल्टा वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस 1 प्लस यू टू, डेल्टा स्क्वेयर वाई नोड की वैल्यू कितनी है, डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 प्लस यू थ्री, डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा 4 वाई माइनस 1। ये वैल्यू थी डेल्टा क्यूब वाई नोड की और ये वैल्यू है डेल्टा 4 वाई नोड की। यहाँ पे एक पैटर्न आप देखो कि वाई नोड एक बार रिपीट हो रहा है, यू वन डेल्टा वाई वन एक बार रिपीट हो रहा है, और माइनस 1 है यहाँ पे, ये कंफ्यूज मत हो ना, ये माइनस 1 है आपके पास यहाँ पे, प्लस में यू वन डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस 1 और यू टू डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस 1। तो आपके पास डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस 1 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। ऐसे ही डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। डेल्टा 4 वाई माइनस 1 डेल्टा 4 वाई माइनस 1 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। ऐसे ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा। आपको क्या करना है, इन्हें कॉमन लेना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वाई नोड प्लस यू वन डेल्टा वाई माइनस 1 हमारे पास एक एक बार रिपीट हो रहा था, हमने यहाँ पे लिख दिया। डेल्टा 2 वाई माइनस 1 हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, उसे हमने कॉमन लिया। तो इसके कोफिशियंट क्या बचे, यू वन प्लस यू टू, प्लस में डेल्टा क्यू वाई माइनस 1 को कॉमन लिया तो क्या कोफिशियंट आए, यू टू प्लस यू थ्री। डेल्टा 4 वाई माइनस को कॉमन लिया तो यू थ्री प्लस यू फोर एंड सोन चलता जाएगा। अब आपको पता है कि यू वन प्लस यू टू किसके इक्वल होता है, कि हमारे पास एक फॉर्मूला है कि यू आई माइनस 1 प्लस यू आई इज इक्वल टू यू प्लस 1 आई होता है। ये अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो हम लेक्चर 1 में कर चुके हैं, हमने इसे कम्प्लीटली डिफाइन किया था कि किस तरीके से ये इसके इक्वल आया है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको आई को क्या रखना है, 2 रखना है। जब आप आई को क्या रख रहे हो, 2 रख रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, यू वन प्लस यू टू इज इक्वल टू यू प्लस 1 कितना आएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने यू वन प्लस यू टू किसके इक्वल आ गया, यू प्लस 1 2 के इक्वल आ गया। ऐसे u2 प्लस u3 किसके इक्वल आ जाएगा, u प्लस 1 3 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे u3 प्लस u4 किसके इक्वल आ जाएगा, u प्लस 1 4 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां तक आपको क्या करना है, आपको ये थ्योरम मतलब ये वैल्यू मिल गई है, इसे मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे एक चीज है कि जो मेरे पास वैल्यूज आ रही है वो y माइनस 1 में आ रही है। अब हमें क्या करना है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम डायगोनल टेबल से करते हैं। हम क्या बनाते हैं, डायगोनल टेबल बनाते हैं। आपको ध्यान हो तो फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट अभी तक हमने क्या किया है, हर क्वेश्चन को टेबल से सॉल्व किया है। तो वो टेबल इस तरीके से होता है, जैसे आर्ग्यूमेंट मैंने लिख लिए यहाँ पे, अब मेरे नए आर्ग्यूमेंट यही होंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो हमने गॉस फॉरवर्ड के क्वेश्चन किए, तो हमारे नए आर्ग्यूमेंट यही होते हैं ओरिजन शिफ्ट करने के बाद। तो मेरा नया आर्ग्यूमेंट मतलब वाई माइनस टू, y माइनस 1, y 0, y 1 और y 2, ये मेरी एंट्रीज होती है। अब हम जब डेल्टा y u निकालते हैं, डेल्टा स्क्वायर y u निकालते हैं एंड सोन चलते रहते हैं, तो हमारा जो डेल्टा है मतलब कि जो डिफरेंसेस है उसमें क्या होती है, वैल्यूज ऐसे कन्वर्ज होती रहती है, ऊपर से भी और नीचे से रिड्यूस होके वो एक वैल्यू पे चली जाती है, ऐसे डायगनली ऐसे रिड्यूस होती है, इस तरीके से डायगनली रिड्यूस हो जाती है। डिफरेंस करेंगे तो दो का डिफरेंस एक में तब्दील हो जाएगा, दो का डिफरेंस एक में, फिर दो का एक में, दो का एक में, तो अपने आप ही वो रिड्यूस होनी है वैल्यू, तो आखिर में जाके वो एक वैल्यू पे जाके स्टॉप हो जाता है हमारे पास। तो वो एक कौन सी वैल्यू हो गई,
तो आप देखो कि आप जब फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हो तो डेफिनेटली जो अपर वैल्यू होगी उसी में आपका लास्ट आंसर निकलेगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो माइनस टू की फॉर्म में ही आएगा। यहाँ पे डेल्टा फोर वाई माइनस तक जा रहा है, तो हमें जो आंसर मिल रहा है यहाँ पे डायगनल में वो वाई माइनस टू में मिल रहा है, तो हमें वाई माइनस टू की टर्म में वैल्यूज लानी पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं कि जो डेल्टा क्यू वाई माइनस वन है और डेल्टा फोर वाई माइनस वन है उनको हम चेंज कर देते हैं माइनस टू में, क्योंकि हमें डेफिनेटली जो यहाँ आंसर मिलेंगे जो डायगनल वैल्यूज यूज करके जो मिलेंगे हमें डायगनल टेबल यूज करके वो माइनस टू माइनस थ्री इसी में मिलेंगे। अगर यहाँ माइनस थ्री होता तो हमें माइनस थ्री की फॉर्म में मिलते। अगर आपने क्वेश्चन किए हैं अभी तक, आपने अगर पैटर्न ध्यान में होगा आपके पास सेकेंड थर्ड फोर्थ चैप्टर में, तो इसी तरीके से कन्वर्जिंग फॉर्म में पैटर्न बनता है। तो वो पैटर्न इसी तरीके से बनता है कि अगर आप फॉरवर्ड यूज कर रहे हो तो ऊपर वाली जो ये टर्म है सबस्क्रिप्ट जो माइनस टू है वो माइनस टू की फॉर्म में ही ये मिलेगा आपको। जो इसके सामने वाली लाइन होती है वो माइनस टू की होती है, यहाँ पे माइनस वन की, जीरो की, वन की और टू की, इस तरीके से होता है। पर जो आखिर में आंसर आता है वो ये फॉरवर्ड चल रहा है तो ये वाली टर्म सारी माइनस टू की रहती है, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो माइनस टू की फॉर्म में मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वाई माइनस वन, वाई माइनस वन को चेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ माइनस टू। तो अब आप यहाँ पे क्या निकालोगे, एन प्लस वन फॉरवर्ड डिफरेंस निकालोगे वाई माइनस टू का, तो वो आपके पास क्या आएगा, डेल्टा एन वाई माइनस वन इज इक्वल टू डेल्टा एन वाई माइनस टू प्लस डेल्टा एन प्लस वन वाई माइनस टू। ये सेम हमने पिछला फॉर्मूला यूज किया है, जब आप माइनस टू का फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हो तो उसमें डेल्टा एन वाई माइनस वन माइनस डेल्टा एन वाई माइनस टू आएगा, तो इस साइड माइनस का तो इस साइड लेके आके ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हमारे पास कुछ भी नहीं किया, हमने लास्ट फॉर्मूले को रिपीट किया और कुछ नहीं किया। अब मुझे डेल्टा क्यू वाई माइनस वन की वैल्यू चाहिए, तो मुझे एन को कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, थ्री से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो डेल्टा थ्री वाई माइनस वन किसके इक्वल आ गया, डेल्टा थ्री वाई माइनस टू प्लस डेल्टा फोर वाई माइनस टू के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने नेक्स्ट स्लाइड में करके दिखाया है कि डेल्टा थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू डेल्टा थ्री वाई माइनस टू प्लस डेल्टा फोर वाई माइनस टू। नेक्स्ट अगर आप एन को फोर पुट करोगे तो डेल्टा फोर वाई माइनस वन इज इक्वल टू डेल्टा फोर वाई माइनस टू प्लस डेल्टा फाइव वाई माइनस टू। तो हमने क्या किया, इन दोनों की वैल्यूज अबव इक्वेशन में पुट कर दी है जो इक्वेशन थ्री थी। तो वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नोट प्लस यू वन डेल्टा वाई माइनस वन प्लस यू वन प्लस वन टू डेल्टा टू वाई माइनस वन, ये थ्री टर्म्स एज इट इज रह जाएंगी। चेंज किस में आ रहा है, डेल्टा क्यू वाई माइनस वन की जगह हमने पुट कर दिया डेल्टा क्यू वाई माइनस टू प्लस डेल्टा फोर वाई माइनस टू। हमारे पास डेल्टा फोर वाई माइनस टू प्लस डेल्टा फाइव वाई माइनस टू आ रहा है, ये हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज देखो आप, डेल्टा थ्री वाई माइनस टू एक टाइम में रिपीट हो रहा है तो उसको हम सिंपल तरीके से लिख देंगे, पर डेल्टा फोर वाई माइनस टू कितनी बार आ रहा है, टू टाइम्स आ रहा है। तो जब इसे टू टाइम्स आपने लिया है, यहाँ पे अगर हम आपको करवा के दिखाएं तो डेल्टा फोर वाई माइनस टू जब आपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यू वन प्लस थ्री प्लस यू वन प्लस फोर, ये किस में चेंज हो जाएगा, डेल्टा फोर वाई माइनस टू यू प्लस टू और कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, क्या आ जाएगा फोर। क्यों आ जाएगा ये, क्योंकि हमने क्या किया है, यू आई माइनस वन प्लस यू आई इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस वन आई होता है आपके पास। जब आप यू को रिप्लेस कर दोगे किससे, यू प्लस वन से, यू अगर रिप्लेस हो रहा है यू प्लस वन से तो यू प्लस वन आई माइनस वन u प्लस वन आई इज इक्वल टू यू प्लस वन आई, तो ये कितना हो गया, u प्लस टू आई हो गया। अब मैंने i को रखा फोर तो मुझे मिला u प्लस वन थ्री प्लस यू प्लस वन फोर इज इक्वल टू यू प्लस टू फोर, ये मुझे मिला। तो यही चीज हमने यहाँ पे, इस वैल्यू को हमने ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलेगा वाई एक्स इज इक्वल टू y नोट प्लस u1 डेल्टा y माइनस वन प्लस u1 प्लस टू y u प्लस वन टू डेल्टा स्क्वायर y माइनस वन प्लस u प्लस वन थ्री डेल्टा क्यूब y माइनस टू प्लस जो हमारे पास वैल्यू थी जो हमने अभी लास्ट में करके दिखाई है उसकी जगह हमने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, u प्लस टू फोर डेल्टा फोर y माइनस टू। ऐसे ही अगर हमारे पास आर्ग्यूमेंट आ जाता है, अगर आर्ग्यूमेंट आ जाता है माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री,
तो आप जो आंसर है माइनस टू में जा रहा है अगर, और यहाँ पे जो लास्ट हमारी है वो अगर माइनस थ्री में आ रही है, तो माइनस टू को आप किस में चेंज कर दोगे, माइनस थ्री में, वही लास्ट का फॉर्मूला यूज करके। कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा एन प्लस वन वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एन वाई माइनस टू माइनस डेल्टा एन वाई माइनस थ्री आ जाएगा। तो आपको डेल्टा एन वाई माइनस टू की अगर वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा एन प्लस वन वाई माइनस थ्री प्लस डेल्टा एन वाई माइनस थ्री हो जाएगा। और जो आपको एन लेना है, मतलब कि डेल्टा फोर वाई माइनस टू की सब्स्टिट्यूट करनी है या डेल्टा फाइव वाई माइनस टू की सब्स्टिट्यूट करनी है, वो आप एन की जगह पुट करोगे और वैल्यूज निकाल लोगे। तो इसमें आपको क्रैम नहीं करना है कि फॉर्मूला यही रहेगा, हमें यही रटना है। वो डिपेंड करता है कि आपका आर्ग्यूमेंट किस पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब जो आपके आर्ग्यूमेंट है वो जब ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है तो वो किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, माइनस थ्री से हो रहा है या माइनस टू से हो रहा है या माइनस वन से हो रहा है, वो डिपेंड करता है किस तरीके का। तो यहाँ पे आपको बोधर होने की जरूरत नहीं है, डेल्टा फोर वाई माइनस टू तक तो रहेगा ही रहेगा। जब आप फोर्थ डिफरेंस निकालते हो तो वो माइनस टू तक तो आता ही आता है। मान लो आपको फिफ्थ सिक्स डिफरेंस निकालना है और वो माइनस थ्री तक जा रहा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, उसमें डरने की बात नहीं है। अब हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। उससे पहले कि टेबल है, ये टेबल वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, इस टेबल में हमने कुछ नहीं कर रखा है। जो हमारे पास यहाँ पे कोफिशियंट आ रहे हैं, मतलब कि जब हमने ओरिजन चेंज किया, ओरिजन चेंज करने के बाद जो माइनस टू माइनस वन और वो आते हैं, वो हमने इस कॉलम में लिखा है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एंट्रीज लिखी है। यहाँ पे हमने क्या लिखे हैं, जब डिफरेंस निकाले हैं, मतलब पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, तीसरा, चौथा, इस तरीके से हमने डिफरेंस निकाले हैं। तो हमने क्या किया, ये जो जस्ट एक मेरा गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे हम फॉरवर्ड को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ बैकवर्ड का काम कर रहे हैं, बैकवर्ड का काम कर रहे हैं, तो हम सिर्फ बैकवर्ड लिखते हैं कि जो मेरे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये बैकवर्ड फॉर्मूला है। हमने क्या किया है, जो वाई नोट, डेल्टा वाई वन, डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस वन, डेल्टा क्यूब वाई माइनस टू, इन सब के कोफिशेंट को यहाँ अब रो कॉलम में लिखा है और इन्हें यहाँ पे लिखा है। ये आपको बस पैटर्न दिखाने का मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चन करोगे, डायगोनल टेबल बनाओगे, उस डायगोनल टेबल में आपको ऐसे पोजीशन पे मिलेगी, इस तरीके पे इनकी पोजीशन मिलेगी कि ये डेल्टा वाई माइनस वन यहाँ मिलेगा, फिर डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस वन यहाँ मिलेगा, डेल्टा क्यूब वाई माइनस टू यहाँ मिलेगा और डेल्टा फोर वाई माइनस टू यहाँ मिलेगा। पर आपको अगर ध्यान हो तो हमने जब फॉरवर्ड का किया था तब तो आपको नीचे मिल रहा था, ऐसे कहाँ मिल रहा था, इस तरीके से ही सेम पैटर्न नीचे मिल रहा था, क्योंकि तो जो उसके कॉफिशेंट थे वो डेल्टा वाई नोट, क्योंकि पहली दो टर्म हमने फिक्स की थी, बाकी हमने चेंज किया था, तो ये डेल्टा वाई नोट था, यहाँ डेल्टा वाई नोट था, क्योंकि यहाँ डेल्टा वाई माइनस वन है तो नीचे क्या आएगा, डेल्टा वाई नोट ही आएगा। यहाँ पे हमें डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस वन मिल रहा था, यहाँ पे, यहाँ अगर वाई माइनस टू चल रहा है तो यहाँ डेल्टा थ्री वाई माइनस वन होगा, तो हमने यहाँ वाई माइनस वन वाला लिया था और यहाँ वाई माइनस टू ही था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर किसी को ये टेबल नहीं समझ आ रहा है तो डरने की बात नहीं है, जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला नहीं भूलना है। जब आप एग्जाम्पल करोगे तो ये टेबल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले अपने आप हो जाएगा आपसे। तो हम एग्जाम्पल करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, गिवन दैट स्क्वेयर रूट 12,500 इज इक्वल टू ट्रिपल वन डेसिमल 803399, सेकेंड स्क्वेयर रूट 12,510 इज इक्वल टू ट्रिपल वन डेसिमल 848111। इस तरीके से मुझे चार आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है ये, दूसरा दिया हुआ है ये, तीसरा दिया हुआ है ये, चौथा दिया हुआ है ये, इन चारों के मुझे वैल्यूज दी हुई है। तो मतलब ये तो हो गए मेरे पास आर्ग्यूमेंट और ये मेरे पास क्या हो गई, एंट्रीज हो गई। तो शो बाय गोज बैकवर्ड फॉर्मूला दैट स्क्वेयर रूट ऑफ 12,516 इज इक्वल टू दिस, कि आपको ये शो करना है कि 12,516 का जो स्क्वेयर रूट है वो किसके इक्वल आएगा, इस वैल्यू के इक्वल आएगा। तो आप एक ध्यान दीजिए कि हम गोज बैकवर्ड फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, कि अब यहाँ पे फॉरवर्ड भी यूज हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं ये बता रही हूँ कि हमने ये गोज वाले क्यों यूज किया, क्योंकि ये मिडल टर्म के करीब है। वैसे देखा जाए तो इन चारों वैल्यूज में से ये बीच में आएगी वैल्यू, किसके बीच में आएगी, 12,510 से लेके 12,520 के बीच में आ रही है, कि ये मिडल टर्म आ रही है,
दो टर्म इधर छूट रही है, दो टर्म ये इधर है, ये बिल्कुल मिड की वैल्यू है, तो इसलिए हमने सेंट्रल फॉर्मूला यूज किया है। अब इसे हमने बैकवर्ड बोल दिया तो हम बैकवर्ड यूज करेंगे। हेयर एच इज इक्वल टू 10, गैप कितना है 12,510 में, और 12,510 में कितने का गैप है, 10-10 का गैप है, हर कॉन्सिक्यूटिव वैल्यू के बीच में 10 का गैप है। अब देख लो 12,510 से 12,520 के बीच का गैप 10 है, 12,520 से 12,530 के बीच का 10 का गैप है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ओरिजन शिफ्ट करना है। वो शिफ्ट किस तरीके से करना है, हमें ये चेक करना है कि 12,516 है वो किसके नियर है, 12,520 के नियर है या 12,510 के नियर है। तो 12,520 के नियर है, कैसे, कि हमें जो वैल्यू चाहिए। अब आपको यहाँ गौर देना पड़ेगा, ध्यान देके देखना पड़ेगा कि आप जो गोज फॉरवर्ड जो गोज बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करते हो वो यू की वैल्यू -1/2 से लेके 0 के बीच का यूज करते हो, कि जब आप ओरिजन शिफ्ट करते हो, ओरिजन शिफ्ट करने के बाद जो यू की वैल्यू आती है वो अगर -1/2 से लेके 0 के बीच की है तो हम बैकवर्ड यूज करते हैं। तो उसके लिए आप एक चीज नोट करो कि आपको जो यू की वैल्यू है वो कैसे लेनी होती है, एक्स माइनस ए बाई एच। अब मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, x को मैं एक बार एज इट इज रख लेती हूँ, a मुझे मतलब x मेरे पास एज इट इज नहीं रखना है, x तो 12,516 है, a मैंने एज इट इज रख लिया, अपॉन में मैंने रखा 10। अब मुझे पता है कि 12,510 के भी नियर और 12,520 के भी नियर है, हम दोनों निकाल के देखते हैं। अब हमें देखना है कि ये हमारी जो वैल्यू है u की, अगर a की वैल्यू मैं 12,510 रख रही हूँ तो क्या आएगा, और अगर 12,520 रख रही हूँ तो क्या आएगा। जब मैंने रखी 12,510, जब मैंने 12,510 रखी तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे 12,516 में से 12,510 गए तो कितना आया 6/10, तो कितना आया 0.6 आ गया, कितना आ गया 0.6 आ गया। किस साइड मूव कर गया, यू मूव कर गया 0 से लेके 1/2 की तरफ मूव कर गया, कि 0 से बड़ा आ गया तो किस साइड मूव कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है, फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। अब मुझे लेना है 12,520, जब मैंने 12,520 लिया तो मुझे वैल्यू मिली -0.4, वो किस साइड मूव कर रही है, बैकवर्ड की तरफ मूव कर रही है, किस तरफ, बैकवर्ड की तरफ मूव कर रही है। तो मुझे जो ए की वैल्यू लेनी है वो कौन सी लेनी है, 12,520 लेनी है, कि हमें ओरिजन वहां पे शिफ्ट करना है जहां मुझे यू की वैल्यू -1/2 से लेके 0 के बीच की मिले। ये कंसेप्ट यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंट और एंट्रीज लिखनी है, और जो आर्ग्यूमेंट लिखने हैं वो शिफ्ट करने के बाद के लिखने हैं। तो शिफ्ट कैसे करेंगे, -2, -1, 0 और 1, वैसे तो हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि किस तरीके से आए, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि u इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ u की वैल्यू है ना, और u किसके इक्वल है, एक्स माइनस ए बाई एच। पहले आप ए एक्स माइनस ए कितना है, 12,520 फिक्स है और एच मेरा फिक्स है 10 है। अब आपको सबसे पहले क्या लेना है, एक्स को किसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, 12,500 के कोरिस्पोंडेंस निकालना है, तो 12,500 - 12,520 अपोन में 10, तो कितना आया, -20/10 = -2 आ गया। अब आपको क्या करना है, यू इज इक्वल टू 12,510 के कोरिस्पोंडेंस निकालना है, तो 12,510 - 12,520 अपोन में 10, तो -10/10 = कितना आया, -1। अब आपको किसके कोरस्पोंडेंस निकालना है, 12,520 के कोरस्पोंडेंस निकालना है, तो 12,520 में से 12,520 गए तो कितना आया, 0। अब आपको 12,530 के कोरस्पोंडेंस निकालना है, तो 12,530 - 12,520 अपोन में 10 = कितना आया, 10/10 = 1। आर्ग्यूमेंट आ गई आपकी -2, -1, 0, 1। अब आपको क्या करना है, इन आर्ग्यूमेंट के कोरस्पोंडेंस आपको वैल्यूज लिखी हुई है, तो वो वैल्यूज कैसे अपने पास, देखो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, y-2 की, यहाँ पे जो वैल्यू है वो किसकी है, y-1 की, यहाँ पे जो वैल्यू है वो y0 की, यहाँ पे जो वैल्यू है वो y1 की है। क्यों, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट होता है उसके कोरस्पोंडेंस ही तो एंट्री होती है। जब आप y-1 में से y-2 को माइनस कर रहे हो और फॉरवर्ड डिफरेंस चल रहा है तो ये क्या आएगा पास, डेल्टा y-2, ये आएगा डेल्टा y-1, ये आएगा डेल्टा y0 आ जाएगा, ठीक है।
अब आप डेल्टा वाई माइनस वन में से डेल्टा वाई माइनस टू माइनस करते हो तो ये आता है डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस टू, ये आपके पास आता है डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस वन। जब डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस टू में से डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस टू माइनस करते हो तो ये आपको मिलता है डेल्टा क्यूब वाई माइनस टू, ये आपको मिल गया। ये तो है आपने फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाया, आपको पता था, कंसेप्ट क्लियर थे। तब मान लो कि एक पॉइंट के लिए मैं मान लेती हूँ कि आप फॉरवर्ड फॉर्मूला भूल गए हो, तो यहाँ पे देखो क्या आर्ग्यूमेंट है, माइनस टू, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो एंट्री होगी वो क्या होगी, वाई माइनस टू। तो इसकी जो डायगनल वैल्यू चलेगी, देखो ये डायगनली जो वैल्यू चल रही है ये वाई माइनस टू की ही चलेगी, और डिफरेंस वही रहेगा जो अबव कॉलम में है। अगर फर्स्ट डिफरेंस है तो फर्स्ट, सेकेंड डिफरेंस है तो सेकेंड, थर्ड डिफरेंस है तो थर्ड, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है इस तरीके से डायगनल वैल्यू आई, ये किसके कॉरेस्पॉन्डेंस है, माइनस टू के कॉरेस्पॉन्डेंस। फिर यहाँ पे सेकेंड एंट्री है माइनस वन की, तो ये माइनस वन की है, तो ये लाइन किसके आ जाएगी आपके पास, माइनस वन की। यहाँ पे ये किसके कॉरेस्पॉन्डेंस, जीरो के, तो ये वाली डायगनल लाइन होगी जीरो के और ये हो जाएगी वन की। इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये डायगनल लाइन होती है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की, ये डायगनल होती है सेकेंड की, थर्ड डायगनल थर्ड की, फोर्थ फोर्थ की। इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। अब आपको फॉर्मूले में किस किस की जरूरत है, एक तो y नोड की जरूरत है आपको, दूसरा डेल्टा y माइनस वन की जरूरत है, तीसरा डेल्टा स्क्वेयर y माइनस वन की जरूरत है, चौथा डेल्टा क्यूब y माइनस टू की जरूरत है। तो अब आपको याद हो तो हमने ये जो टेबल करवाया था, ये वाला टेबल, इस तरीके से ये जो जिगजैग पोजीशन थी अबव की तरफ, तो ये किस तरीके से आई है, ये इस क्वेश्चन में क्लियर हो रही है कि हमें कैसे मिल रही है। एक बार ऊपर जाएंगे, फिर एक बार बराबर आएंगे जीरो के, फिर एक बार ऊपर, इस तरीके से। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये डिफरेंसेस आते हैं, क्या क्या इनकी वैल्यू होती है। अब आपको जस्ट इन फॉर्मूले में पुट करना है। बैकवर्ड फॉर्मूला क्या होता है, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन, ये क्या था आपके पास, u प्लस वन कितना था, टू था, तो u प्लस वन टू कितना होगा, u प्लस वन, फिर इसमें से एक माइनस कर दो तो कितना आएगा, u अपॉन में टू फैक्टोरियल। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, जहां पे ui का फॉर्मूला था वहां पे u प्लस वन i कर दो, u को रिप्लेस कर दो किससे, u प्लस वन से, बस वही चीज है। तो आपके पास ये वाला मिल गया, ये क्या हो गया, u प्लस वन थ्री हो गया, u प्लस वन थ्री किसके इक्वल होता है आपके पास, u प्लस वन, फिर एक माइनस कर दो तो यू, फिर एक और माइनस कर दो तो यू माइनस वन बाय थ्री फैक्टोरियल। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। डेल्टा क्यूब वाई माइनस टू तक वैल्यू जा रही है तो सिर्फ यहीं तक लिखेंगे, फोर तक नहीं लिखेंगे। हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, इसमें यू की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, माइनस 0.4। आपके पास वाई नोड की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पे वाई नोड की वैल्यू जीरो के कोरेस्पॉन्डेंस थी। डेल्टा वाई माइनस वन की वैल्यू हमने निकाल दी है टेबल में, ये वाली टेबल में वैल्यू है 0.044695 है। डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन की वैल्यू है -0.00018 है, और डेल्टा क्यूब वाई माइनस टू की वैल्यू है -0.000001 है। ये सारी वैल्यूज हमने इसमें सब्सिट्यूट कर दी इस फॉर्मूले में, इसे हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मुझे वैल्यू मिली है 111.874930, और ये वैल्यू किसकी है, 12516 की। सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं था। आपको होमवर्क मिलता है, होमवर्क अगर आप कर रहे हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 337.5 बाय गोज बैकवर्ड फॉर्मूला। तो आपको गोज बैकवर्ड फॉर्मूले से ये क्वेश्चन करना है। याद हो आपको तो ये क्वेश्चन मैं फॉरवर्ड के तरीके से करवा चुकी हूँ, फर्स्ट वीडियो में मैंने ये फॉरवर्ड के तरीके से करवाया था, सेम एज इट इज इसी क्वेश्चन को हम चारों तरीके से करेंगे, चारों फॉर्मूले से। तो हमने ये फॉरवर्ड से कर चुके हैं, आपको ये बैकवर्ड से भी अब आपको ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद इसका देख लेना, अगर होता है तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं हो रहा तो देखना कि कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया है। होमवर्क बहुत बेनिफिशियल है इस तरीके से कि आपको लेक्चर समझ आया है या नहीं आया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेल्स ऑफ अ कंसर्न फॉर द ईयर 1996 गिवन दैट। आपको आर्गुमेंट दे रखा है, आपको एंट्रीज दे रखी है। सबसे पहले तो 1996 देखना है किसके नियर है,
किसके नियर है, 2001 के नियर है या 1991 के नियर है। फिर आपको चेक करना है कि यू की वैल्यू कहाँ आ रही है, जीरो माइनस वन बाई टू से लेके जीरो के बीच में। उस हिसाब से आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट को शिफ्ट करना है, ओरिजिन को शिफ्ट करना है किस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे बेसल एंड स्टीलिंग फॉर्मूले के साथ। अभी के लिए इतना, थैंक यू। अगर आपको किसी भी टाइप के नोट्स, क्योरीज या पीडीएफ फाइल चाहिए, मान लीजिए कि आपको ये वीडियो समझ आया है पर आपको ये है कि आप साथ साथ नहीं लिख पा रहे हो, आपको पीडीएफ फाइल चाहिए या आपकी कोई क्योरीज आ रही है जिससे आप पर्सनली पूछना चाहते हो, तो वो सारी जो चीजें हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू हो जाएगी। कि आपको क्या करना है, जस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वो ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको ये सारी चीजें आराम से मिल जाएगी। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।